नमस्ते शिव कुमार जी। नमस्कार जी। शिव कुमार जी, आपका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में या जो अध्यात्म के फील्ड में काफ़ी डीप है, तथा आप एज ए अकाउंट ऑफिसर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए हो, तथा मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ अध्यात्म की बातें सीखी जाएं। तो पहले ये बताइए कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसने अगर मैथ सीखना है तो पहले वो गिनती सीखता है 1 2 3, ऐसे किसी चीज़ को सीखने के लिए ना पहले उसकी ABC आनी बहुत ही आवश्यक है। तो अध्यात्म को सीखने के लिए कहते हैं कि जो अध्यात्म का विषय है ना सबसे डीप है और सबसे उत्तम माना गया है, चाहे वो मुक्ति का मार्ग हो, चाहे इस जीवन और मरण से मुक्ति का विषय हो। तो अध्यात्म की क्या बेसिक है ये बताइए। आध्यात्मिकता पूर्ण तरीके से परिभाषित है महर्षि पतंजलि के द्वारा भी और महर्षि कपिल के द्वारा भी। मैं आपको बताता हूं, उत्कृष्ट अवस्था से भी मोक्ष श्रेष्ठ है। इस दुनिया में रहते हुए हमें कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, पूर्ण साधन हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो, इन चीजों की अवेलेबिलिटी के बाद भी मोक्ष का दर्जा सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा महर्षि कपिल ने पहले अध्याय के 5वें सूत्र में कहा है। उसमें ये भी कहा है भी आत्मा, ये 10वां सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, आत्मा सफेद वस्त्र और बीज के समान है। जैसे सफेद वस्त्र पे कोई भी रंग चढ़ाओ चढ़ सकता है, और एक बीज को अच्छी खाद, पानी और सूरज की धूप देने से एक बेहद स्वस्थ पौधा डिवेलप किया जा सकता है। ऐसे ही आत्मा की डिवेलपमेंट, आध्यात्मिकता, अपनी आत्मा के दर्शन से आदमी सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण, मैक्सिमम पॉसिबल कंप्लीटनेस ऑफ द लाइफ प्राप्त कर सकता है। देखो अंकल जी, ये बताइए कि देखो इसकी आपने बेसिक बता दी है, तो बहुत सारे विषय होते हैं जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, तो जो बच्चे की रुचि होती है वो तो वही विषय लेता है, हर विषय नहीं लेता। ऐसे ही हर मनुष्य को अध्यात्म के बीच में कुछ चीज़ें हैं वो सीखनी क्यों आवश्यक है, चाहे उसने नॉन मेडिकल लिया है, मेडिकल लिया है, चाहे कॉमर्स लिया है, चाहे वो अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, पर अध्यात्म को सीखना क्यों आवश्यक है? जैसे हम किसी विषय को इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, एलिजिबिलिटी लेते हैं, ऐसे ही जीवन में इंटर होने के लिए और कॉम्पिटेंसी, सिद्धता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता की रुचि रखने से वो प्राप्ति हो सकती है। आपके काम करने का ढंग, आपके जीवन का स्टाइल, ये पूर्णता और आदमियों से भिन्न होगा अगर आपको आध्यात्मिकता का थोड़ा सा भी आधार आपके माइंड में अवेलेबल है। एक बात और पूछनी है आपसे कि अध्यात्म का एक आम जीवन के ऊपर क्या महत्व है। मान लो कि एक लेबर है, वो सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाता है, वो कहता है मेरे पास भगवान का नाम जपने का भी समय नहीं है, तो ऐसा मनुष्य भी क्या आध्यात्मिक हो सकता है? हो सकता है। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दो व्यवहार अलग-अलग हैं। ये देह एग्जिस्ट करती है, इसके लिए उत्पत्ति जरूरी है, जो हमने खाना है, पहनना है, वो कार्य विधि जरूर हो और हर व्यक्ति इसको करे, ये बेहद जरूरी है। अदरवाइज तो एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती, उसकी मानसिकता ठीक ही नहीं रहेगी। पर ये काम एक सीमित समय के लिए हर व्यक्ति करता है।
इसके साथ साथ उसको जीवन की गहराइयों को समझना चाहिए ताकि वो भौतिकता में भी आगे बढ़े, हर चीज को बारीकी से सोचने की आदत उसको पढ़नी चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट का बेस है, भौतिक भी अध्यात्मिक भी। एक लास्ट क्वेश्चन है। बहुत व्यक्तियों से मैंने ये सुना है कि जो अध्यात्म का क्षेत्र है वो तो एक संन्यास का क्षेत्र है, उसमें आप गृहस्थ नहीं होना चाहिए, आपको बहुत तप का विषय है तथा इसमें बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी चाहिए, अगर ये फर्स्ट कहते हैं कंडीशन है। तो एक व्यक्ति जो गृहस्थी है, जिसके बच्चे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, आर्थिक जिम्मेवारियां हैं, वो कहता है कि भगवान का नाम ले लूं तो मैं हो सकता है कि अपनी जिम्मेवारियों से भी भाग जाऊं, क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता का फील्ड बेहद जरूरी है, इसमें ब्रह्मचारी या ये भागने वाले जो आपने माइंड में एक संदेह उत्पन्न किए हैं या व्यक्त किए हैं, उनसे तो निवारण होता है इसमें आने से। अपने दिमाग की स्पष्टता इतनी बढ़ जाती है कि हर चीज को ठीक समझने से हर चीज को करने का ढंग ठीक आ जाता है। भगवान की इस सुंदरतम दुनिया में अच्छी से अच्छी अपनी मनपसंद पत्नी और पति से शादी करो। गृहस्थ का जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बस इसको जीने का ढंग आना चाहिए। इसमें तो पूर्णता है। 8 घंटे 6 घंटे स्थूल जगत में कार्य करने के बाद धन पवित्रता से कमाने की व्यक्तिगत योग्यता बढ़ जाए, सेविंग बढ़ती जाए, हम इस तरफ में ध्यान देने के योग्य होते जाएं, हमारे पास समय होता जाए और साधन होता जाए, जीवन का पूर्ण आनंद लेते रहें, संसार के सुख के भोग के साथ साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति मीट और शराब का प्याला पीकर बेहद आनंद अनुभव करता है और एक आदमी सिर्फ सात्विक म्यूजिक सुनकर अपने आनंद की विभोरता को छुपा ही नहीं पाता। उसने तो भोग किया पदार्थों का, उसने भावनाओं का। अवस्था श्रेष्ठतम उसकी थी जिसने म्यूजिक से संगीत से अपने मानसिकता को आनंदित किया। शिव कुमार जी, आपने हमारे बहुत सारे जो डाउट्स थे अध्यात्म के विषय में हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है तथा हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही हमारे जो डाउट्स होंगे अध्यात्म के विषय में इन फ्यूचर भी आप सॉल्व करोगे। मैं आपको आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।